बसंत पंचमी का त्यौहार माँ सरस्वती को समर्पित है। ये त्यौहार माता सरस्वती के जयंती और जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार ये बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को मनाया जाएगा। बता दें कि इस दिन स्कूल, कॉलेज, मंदिरों और घरों में माता सरस्वती की पूजा की जाती है और भक्त माँ से ज्ञान, विद्या और बुद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। वहीं चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए। पीले चावल। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को पीले चावल का भोग जरूर लगाना चाहिए। इस चावल को देसी घी, चीनी, केसर, सूखे मेवे में मिलाकर तैयार किया जाता है। बसंत पंचमी पर पीले चावल का भोग माँ को लगाने से माता की कृपा आप पर बनी रहती है। मीठी बूंदी। बसंत पंचमी पर माता सरस्वती को मीठी बूंदी का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मीठी बूंदी को आप दो तरह से बना सकते हैं, एक मैदे की बूंदी और दूसरी बेसन की बूंदी। राजभोग। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को भोग लगाने के लिए घर पर पीले रंग का राजभोग बना सकते हैं। इस प्रसाद को केसर, छेना और चीनी की चाशनी में तैयार किया जाता है। मालपुआ। माँ सरस्वती को मालपुए का भोग लगा सकते हैं। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उन्हें सरस्वती पूजा के दिन माँ को मालपुए का भोग जरूर लगाना चाहिए। बेसन जलेबी। आप सरस्वती पूजा के दिन बेसन या मैदे की जलेबी बना सकते हैं। इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। क्योंकि बेसन पीले रंग का होता है, इसलिए इस दिन मैदे की जगह बेसन की जलेबी बनाना ज्यादा शुभ रहेगा। तो आप भी बसंत पंचमी के दिन इन चीजों का भोग जरूर चढ़ाएं। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।